इटावा नगर में बुधवार को बैंक से रुपये लेकर जाते समय बाइक से अज्ञात लोगों ने रुपए निकाल लिए। इस घटना की जानकारी के बाद पीड़ित ने इटावा थाने में सूचना दी, उसके बाद पुलिस जांच में जुट गई है। मियाना गांव निवासी हेमंत मीणा ने बताया कि उसने दो दिन पूर्व इटावा SBI बैंक शाखा में 1,70,000 रुपए का गोल्ड लोन स्वीकृत कराया था। बुधवार को सुबह वह लेने आया तो उसने बैंक से 1,70,000 रुपए निकलवाया और वापस गांव जा रहा था, तो खातोली रोड पर ही ट्रैक्टर शोरूम के यहाँ एक ट्रैक्टर देखने लग गया और रुपए बाइक में रखे हुए थे। इस दौरान वापस बाइक को देखा तो रुपए नहीं मिले और अज्ञात व्यक्ति चुरा कर ले गए। इस घटना के बाद इटावा थाना पहुंच करके इसकी सूचना दी गई। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद इटावा पुलिस ने बैंक व उसके आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगाले व युवक के आसपास निगाह रखने वाले संदिग्ध लोगों को चिन्हित करने का काम शुरू किया। इसके साथ ही फुटेज के आधार पर कुछ लोगों की तलाश शुरू की। इटावा थाने के सहायक उप निरीक्षक सुनील शर्मा ने बताया कि युवक से जानकारी लेकर उसके आधार पर जांच की जा रही है और टीम गठित कर तलाश की जा रही है। SBI बैंक से मैंने 1,70,000 रुपये निकाले, उसको लेके मैं जस्ट ही बाहर निकल के और गाड़ी की बैग में फेस रख दिए मैंने। रिगने के बाद में जस्ट मैं वहाँ पर गया तो सोलिस ट्रैक्टर था, उसको देखने के लिए मैं लगभग यहाँ से 30 फुट दूरी होगी शोरूम में, हाँ शोरूम में, वहाँ पे देख गया तो पीछे वापिस आ रिटर्न आके देखा तो पैसे गायब थे।